दोस्तों फाइनली हमारा पीवीसी आधार कार्ड या प्लास्टिक का आधार कार्ड है हमारे होम एड्रेस पे आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी पीवीसी आधार कार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। यदि आपने अभी तक पीवीसी आधार कार्ड या प्लास्टिक का आधार कार्ड नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। और दोस्तों ये जो पीवीसी कार्ड है आप अपने घर बैठे है वो मंगवा सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा और ऑर्डर करने के बाद अगले कुछ दिन के बाद ही आपके होम एड्रेस पे ये पीवीसी आधार कार्ड है वो आ जाएगा। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, सबसे पहले अपन इसी पीवीसी आधार कार्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों जब आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दोगे, ऑर्डर करने के बाद अगले 10 या 15 दिन के बाद आपके होम एड्रेस पे इस तरह का जो आधार कार्ड का एक लेटर है वो आ जाएगा, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड होगा जो कि पीवीसी आधार कार्ड होगा या फिर प्लास्टिक का आधार कार्ड होगा। ये स्पीड पोस्ट का लेटर होगा। और दोस्तों यहां पे देखिए इस लेटर के ऊपर यहां पे आपका जो एड्रेस है, जो आधार कार्ड में आपने एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस आपको यहां पे दिखाई देगा, उसी एड्रेस पे ये आता है। यहां पे देखिए अपने तिरंगे झंडे का लोगो है, यहां पे लिखा हुआ भारत सरकार और नीचे लिखा हुआ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। चलिए अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि पोस्टमैन के लिए होते हैं। बाय चांस मान लीजिए जिस एड्रेस पे ये आधार कार्ड आया या जिस पर्सन का है उस एड्रेस पे अगर वो नहीं मिले तो पोस्टमैन है इनमें से कुछ रीजन देके वापस इस आधार कार्ड को आधार अथॉरिटी को वापस है लौटा सकता है। चलिए अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और सबसे पहले इसकी बैक साइड में चलते हैं और यहाँ से इसको हटाते हैं। हटाने के बाद देखिए इस तरह से ये अलग हो जाएगा। ये बॉक्स है इसको मैं साइड में है वो रख देता हूँ। अब देखिए इस तरह का एक लेटर होगा जहां पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो दिखाई देगा और यहाँ पर देखिए आधार का लोगो है। इस पेपर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए और साथ में आपका जो आधार कार्ड है वो दिया हुआ जो कि प्लास्टिक का आधार कार्ड है, पीवीसी का आधार कार्ड है। चलिए इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से ये जो आधार कार्ड आपको यहाँ पे चिपका हुआ मिलेगा। चलिए एक बार इसको मैं हटा के थोड़ा सा साइड में वो रख देता हूँ यहाँ पे। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इस लेटर के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि इस लेटर के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इस लेटर के अंदर आपको ये जो आधार कार्ड है, ये जो पीवीसी का आधार कार्ड है, इसकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ जानकारी है वो दी गई है कि इसके अंदर आपको क्या क्या विशेष मिलने वाला है। दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, देखिए ये जो आधार कार्ड है, जो पीवीसी आधार कार्ड है या फिर नॉर्मली इसे अपन प्लास्टिक का आधार कार्ड बोलते हैं, ये आधार अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड है क्योंकि हमने इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था। नॉर्मली क्या होता है कि जो कंप्यूटर सेंटर वाले होते हैं वो इस तरह के प्लास्टिक का आधार कार्ड वो प्रिंट करके देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सिक्योर नहीं होता है और वो जो आधार कार्ड है हर जगह मान्य भी नहीं होता है। लेकिन ये जो आधार अथॉरिटी के द्वारा जो हमारे होम एड्रेस पे जो आधार कार्ड होता है वो पूरी तरह सिक्योर भी होता है और हर जगह ये मान्य भी होता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले इस लेटर की बात कर लेते हैं, इस पीवीसी आधार कार्ड के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों देखिए ये जो पीवीसी आधार कार्ड है इसके अंदर आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में इशू डेट है वो मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर आपका फोटो मिल जाएगा, इसके अलावा यहां पे देखिए एक होलोग्राम है वो मिल जाएगा, इसके अलावा यहां पे देखिए एक छोटी फोटो है वो भी आपके मिल जाएगी। यहां पर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में देखिए ये क्यूआर कोड है वो आपको यहां पे मिल जाएगा और पूरा ये जो आधार कार्ड है एक ग्लोज पैटर्न में आपको मिल जाएगा। चलिए इस लेटर को मैं साइड में रख देता हूं और अब बात करते हैं आधार कार्ड की, इसी प्लास्टिक आधार कार्ड की जिसका हमें इंतजार था। तो फाइनली हमारे पास इस तरह का आधार कार्ड होता है जो कि पीवीसी है या फिर प्लास्टिक का आधार कार्ड। आप देख सकते हो आपके आधार कार्ड में जो आपकी फोटो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे राइट साइड में छोटी और फोटो है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको दिख रही छोटी फोटो है जो कि यही फोटो है, ये फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। और इसी फोटो के नीचे यहाँ पे देखिए आधार अथॉरिटी का होलोग्राम आपको मिलेगा जो कि सिक्योरिटी के लिए। अगर आप किसी कंप्यूटर सेंटर से इस तरह का पीवीसी आधार कार्ड प्रिंट करवाते तो इस तरह का होलोग्राम आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको एक हिडन होलोग्राम है या लोगो है आधार अथॉरिटी का मिलेगा। अगर इसको मैं दाएं बाएं या राइट साइड में करता हूं तो आप यहां पे आसानी से है देख सकते हैं कि यहां पे आपको एक लोगो है वो दिखाई देगा। देख आप देख सकते हैं यहां पे देखिए, ये देखिए आधार अथॉरिटी का लोगो है, आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, आप शायद देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पे यहां पे इस तरह से। लेकिन जो अपन कंप्यूटर सेंटर से जो आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं वहां पर इस तरह की ना तो आपको डिजाइन मिलती है ना इस तरह का होलोग्राम आपको मिलता है। चलिए बैक साइड की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर बैक साइड में आपका एड्रेस है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए ये जो क्यूआर कोड है वो मिल जाएगा। अब इस क्यूआर कोड का मतलब ये है कि मान लीजिए आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, आप अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हो, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं ये लो ये मेरा आइडेंटिटी है आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो ऑफलाइन ये जो क्यूआर कोड है अगर कोई बंदा इसको स्कैन करेगा तो भैया आपका वेरिफिकेशन वो सही तरीके से हो जाएगा और ये बहुत ही सिक्योरिटी रीजन के लिए जो क्यूआर कोड है वो हमारी बहुत ही मदद करता है। चलिए इसकी खास बात और बताता हूं दोस्तों, देखिए ये जो पीवीसी कार्ड है या प्लास्टिक आधार कार्ड है ये खराब नहीं होता है। जब अपन अपने पॉकेट या अपने पर्स या अपने जेब में जब अपन डालते हैं तो स्क्रैच
नहीं होती है, यहाँ पर अपने जो नाम है अपनी फोटो ये खराब नहीं होती। और नॉर्मली जो अपन कंप्यूटर सेंटर से जो आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं वो 1 या 2 महीने के बाद में स्क्रेच हो जाती है, वो खराब हो जाती है, जैसे कागज महज का टुकड़ा होता उसी प्रकार का होता है। लेकिन ये जो आधार कार्ड है बिल्कुल ओरिजिनल है और आधार अथॉरिटी के द्वारा ये प्रिंट किया गया पीवीसी आधार कार्ड या प्लास्टिक आधार कार्ड। और दोस्तों मुझे तो ये जो पीवीसी आधार कार्ड बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया है और मैंने इसको मंगवा लिया है। आप भी इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अगर आप भी चाहते हो तो इसके लिए आपको आधार वेबसाइट पे विजिट करना है और वहां पे आपको इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा और 50 रुपए की जो राशि है वो आप इसके लिए पे आपको करने पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बना रखा है कि किस तरह से अपन इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरी जानकारी बता रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे अपन इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक खास बात यह भी है, अगर आपके आधार कार्ड में अगर कोई मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो भी आप अपने होम एड्रेस पे इस तरह का जो पीवीसी आधार कार्ड है या फिर प्लास्टिक का जो आधार कार्ड है आप यहां पे ये मंगवा सकते हो। तो दोस्तों मुझे बताना ये पीवीसी आधार कार्ड आपको कैसे लगा, क्या आपने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है या नहीं किया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में आप मुझे जरूर बताएगा कि आज की अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी, क्या आपने अभी तक इसको ऑर्डर किया है या नहीं किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी बताएगा कि इस तरह से जो पीवीसी जो आधार कार्ड है वो केवल आधार अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ है मान्य होता है और पूरी तरह से ये सिक्योर होता है। नॉर्मली जो कंप्यूटर सेंटर के द्वारा जारी किया गया जो आधार कार्ड है वो सिक्योर भी नहीं होता है और हर जगह मान्य भी नहीं होता है। अगर अपन ये आधार कार्ड किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर अगर दिखाएंगे तो ये मान्य करेंगे, क्योंकि आधार अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड है। आप ट्राई करके देख लेना, एक जो नॉर्मली जो अपने कंप्यूटर से अपन इस तरह का जो आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं वो मान्य नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आप ट्राई करके वो देख सकते हैं, फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी अनबॉक्सिंग और ये था हमारा पीवीसी आधार कार्ड। आप भी इस तरह से अपना पीवीसी आधार कार्ड है वो प्रिंट करवा सकते हैं या फिर अपने घर बैठे वो मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।